भारत की स्टार शटलर साइना नेहवाल ने शनिवार को इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने सेमीफाइनल में अपने से बेहतर रैंकिंग वाली चीनी खिलाड़ी ही बिंगजियाओ को 3 गेम तक चले मुकाबले में 18-21, 21-12, 21-18 से हराया। साइना 2019 में पहली बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। वे इससे पहले मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार गई थी। वर्ल्ड नंबर 8 साइना नेहवाल ने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल के वर्ल्ड नंबर 6 ही बिंगजियाओ को 18-21, 21-12, 21-18 से हराया। यह दोनों खिलाड़ियों के बीच पहला मुकाबला था। साइना ने इस जीत के साथ ही बिंगजियाओ के खिलाफ जीत हार का आंकड़ा 1-0 कर लिया है। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल और ही बिंगजियाओ के बीच 58 मिनट तक कड़ा मुकाबला हुआ। चीनी शटलर ने पहला गेम जीतकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारतीय शटलर ने दूसरा गेम जीतकर मैच में वापसी कर ली। तीसरा सेट बेहद उतार चढ़ाव रहा। इसमें एक समय साइना ने बिंगजियाओ पर 5 अंकों की बढ़त बना ली थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चीनी शटलर ने उनसे 2 अंक आगे नजर आई। हालांकि दबाव के इन पलों में भारतीय खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर वापसी की और मैच जीत लिया। भारतीय खिलाड़ी का मुकाबला फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन और चीन की चेन युफेई की विजेता से होगा। मारिन को टूर्नामेंट में 5वीं वरीयता मिली है, तो वहीं चीनी की युफेई को 3री वरीयता हासिल है। यानी यह तय है कि साइना नेहवाल का फाइनल में अपने से बेहतर रैंकिंग वाले खिलाड़ी से मुकाबला होगा।